एग्जाम देने आए थे? हाँ जी। क्या वजह हुई कि पूरे आप दूल्हे की ड्रेस में हैं? क्या एक्चुअली क्या था, वहाँ से शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता था। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे आना हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ आपकी शादी हुई थी? मैं हरियाणा हिसार में शादी हुई है और गाजीवाली से आया हूँ। अब शादी हो चुकी है? हाँ जी, बस वो अब यहाँ वाली रिवाज रह चुकी है, रह रही हैं, वो दुल्हन को लेके आ गए हैं। कौन सी ईयर का एग्ज़ाम? मेरा 5th सेम का है, LLB फिफ्थ सेम। किस तरह से पेपर दिया? जल्दी दूल्हे की ड्रेस में आप अकेले थे जो हुए थे वहाँ पे? नहीं सर, पूरी क्लास है एक्चुअली। हाँ, इस तरह से पेपर देने आए ड्रेस में पूरे में, तो किस तरह का रिएक्शन था क्लास में? रिएक्शन उनको पहले से पता था एक्चुअली, मैंने कार्ड वार्ड भी भेजा था कई लड़कों को, तो पता था वो मैच्योर पहले से ही माइंड उनका वो चीज़ में था, तो ज़्यादा ऐसा कोई रिएक्शन था नहीं, बस हंस रहे थे बच्चे। क्लास ड्रेस में थी और आप दूल्हे की ड्रेस में? हाँ जी। उस समय कैसा लग रहा था? थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है सर, बट ठीक है, मुझे एग्ज़ाम भी ज़रूरी था मेरे लिए। आपके साथ जो आपकी दुल्हन थी वो इंतजार करती रही आप? हाँ सर। क्या रहा, मतलब वो बाहर इंतजार कर? नहीं, यहाँ पे गाड़ी पे ही। कितने घंटे एग्ज़ाम चला आपका, कितनी देर उन्होंने वेट करी? मैंने 2 घंटे एग्ज़ाम दिया है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और मैं करीब करीब 20 मिनट पहले आ गया हूँ। ठीक है। अच्छा, तो भाई साहब आप कितनी शादी के बाद दुल्हन को लेकर सीधे एग्ज़ाम देने आए? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका LLB 5th सेमेस्टर का पेपर था CPC का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा ख़राब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। LLB 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतज़ार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है परमिशन किया कि मैं क्या ड्रेस में दे सकता हूँ, वैसे ये समय से आ गया, डायरेक्ट अपने विवाह से सीधा यहीं आया है। अपने घर ना जा करके इसने पेपर दिया, इसने प्राथमिकता पहले अपने पेपर को दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने अपने कैरियर को देखते हुए, भले उसका एक वैवाहिक जीवन एक कैरियर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपने इस कैरियर को इसने प्राथमिकता दी कि मेरे को अपना व्यावसायिक जीवन को प्राथमिकता देते हुए इसने इस पेपर को। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला? ये तुलसी प्रसाद नाम है इस बच्चे का, और ये रहने वाला गाजीवली का है। इसकी जो बारात, जैसा कि इसने मुझे बताया कि इसकी बारात जो है हिसार गई थी, और हिसार से ये आज ही लौटे हैं सुबह, और सीधा ये परीक्षा देने आया अपनी उसी वेशभूषा में। इसे कोई ड्रेस में नहीं आ पाया, इसके लिए परमिशन करवाने के लिए बोला। मैंने कहा बिल्कुल परमिट है, क्योंकि आपका कैरियर है, इसको आप देना चाहिए। जिन्हें पेपर दिए यहाँ पर, जो इसकी दुल्हन थी वो गाड़ी में बाहर बैठी? हाँ, उसकी दुल्हन साथ में ही आए थे, वो लोग वहाँ से सीधा विदा करके यहीं पर आया है, सीधा से परीक्षा भवन में ही पहुँचा है वो। तो दुल्हन उसका वेट करती रही बाहर, और जब वो परीक्षा ख़त्म हुई है तब दुल्हन को लेकर अपने गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उसने इस चीज़ को प्राथमिकता दी कि अपना जो जीवन है गृहस्थ जीवन, उसके साथ साथ उसने अपने कैरियर को प्राथमिकता दी है, उस कैरियर को बनाने के लिए, क्योंकि उसका गृहस्थ जीवन अच्छा चले पहले कैरियर जरूरी है।